दोस्तों, मैं अक्षय, आप देख रहे हैं टेक्स्ट इंडिया। आज के एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अबाउट अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे आज के एपिसोड में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक ब्लूटूथ स्पीकर की, जो मुझे मिला है ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से। तो हम देखेंगे वो कैसा, किस तरह से काम करता है, और यहाँ पे कंप्लीट रिव्यू दे दूंगा मैं इस रिव्यू इस प्रोडक्ट का, और किस तरह से ब्लूटूथ होते हैं और ऑपरेट किस तरह से किए जाते हैं वो भी बता दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, नीचे रिव्यू यूनिट, और देखते हैं किस तरह से है और क्या नहीं है वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों और देखते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है मेरे पास फिलहाल पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, यहाँ पे ज़ेब्रोनिक्स का जो है वो मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पे इसके ये जो है इसका मेन है, मेन साइड यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसके पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर यहाँ पे लिखा हुआ है, DIC इसका डिवाइस नेम है। और यहाँ पे जो है कुछ की फीचर्स दिए गए हैं इसके, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ पे जो लिखा है ब्लूटूथ माइक्रो SD कार्ड, USB लिथियम आयन बैटरी, कॉल फंक्शन, बिल्ट इन माइक, कैमरा, स्नैप बटन। और यहाँ पे जो है नीचे उनकी जो है वो वेबसाइट दी गई है, और यहाँ पे जो है ये अंदर वो है प्रोडक्ट। और ये ज़ेब्रोनिक्स का जो है लोगो और उनका मोटो ऑलवेज अहेड क्या है मुझे भी नहीं पता, वो ऑलवेज अहेड है या नहीं। बाद में यहाँ पे कुछ की फीचर्स दिए गए हैं ज़ेब्रोनिक्स के क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे ब्लूटूथ वायरलेस कनेक्टिविटी है, सपोर्ट USB TF कार्ड है, मतलब मेमोरी कार्ड को सपोर्ट करता है, और यूनिवर्सल सीरियल बस मतलब पेन ड्राइव को भी ये सपोर्ट करता है। इसके बाद रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी भी है, बिल्ट इन माइक्रोफोन है, कैमरा एंड स्नैप बटन है, और हैंड्स फ्री कॉल्स भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डेटिंग वगैरह दी गई है, और यहाँ पे जो है नीचे प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। नीचे यहाँ पे वेट है 0.2 किलोग्राम, मतलब 500 ग्राम। और यहाँ पे नीचे क्या क्या दिया गया है, पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर 1 यूनिट, उसके बाद चार्जिंग केबल 1 यूनिट, एक्सटर्नल बैटरी 1 यूनिट, और यूज़र मैनुअल। बस इसके सिवा इसके अंदर कुछ नहीं है। और सो अब फिलहाल इसके देखते हैं खोल के। तो सबसे पहले खोल के देखेंगे इसे, खोलने के बाद इसको खोलते हैं। इसको खोलने के बाद ये जो है ये हमारा ज़ेब्रोनिक्स का स्पीकर जो है वो बाहर आ गया है। तो ये आप देख पा रहे हैं फिलहाल ज़ेब्रोनिक्स का जो है वो स्पीकर लाल रंग का, तो ये है वो स्पीकर। स्पीकर की बात में करते हैं, अंदर और क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे अंदर है कुछ चीज़ें, मुझे कैमरा स्टेबल करना पड़ेगा, निकाल देता हूँ। एक्चुअली मैंने इसमें यूज़र मैनुअल था वो निकाल दिया है, और यहाँ पे आपके सामने जो है फिलहाल वो दिख रहा है केबल, चार्जिंग केबल है सिंपली, देख लेते हैं इसे खोल के। और यहाँ पे डायरेक्ट वॉल चार्जर, और डायरेक्टली आप किसी भी जो है चीज़ में इसे फिट कर सकते हैं, जैसे कि पावर बैंक और वॉल चार्जर में डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए इसे, तो ये ऑफिशियल चार्जर है, चार्ज होने लग जाएगा। या फिर यहाँ पे डायरेक्टली एक सादा पोर्ट है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन भी कनेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक है। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो है स्पीकर की। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का स्पीकर जो है वो ब्लूटूथ स्पीकर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिलहाल। यहाँ पे इसके स्टार्ट अप बटन्स है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, यहाँ पे कैमरा पिक्सल, और यहाँ पे जो है माइक लिखा गया है। बाद में यहाँ पे ज़ेब्रोनिक्स का लोगो है, यहाँ पे ऊपर भी ज़ेब्रोनिक्स का लोगो है। यहाँ पे यहाँ से जो है वो बजता है ये स्पीकर, अच्छी खासी साउंड क्वालिटी जो है ये इसकी होती है। यहाँ पे जो है इसका ऑन ऑफ बटन है, यहाँ पे जो है USB मतलब हम पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो है मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, यहाँ पे जो है यहाँ से हम डायरेक्टली कुछ इस तरह से जो है वो लगा सकते हैं ऐसे डायरेक्टली, और ये कनेक्ट हो जाएगा किसी और चार्जर को या फिर पावर बैंक को। और जो है यहाँ पे एक बाजू में जो है यहाँ पे एक छोटी सी रेड लाइट भी दी गई है, यहाँ पे एक रेड लाइट लगती है जब चार्जिंग शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो है यहाँ पे AUX फैसिलिटी भी है, डायरेक्टली आप इसमें 3.5 mm का ऑडियो जैक फिट करके डायरेक्टली आप किसी से भी ये प्ले कर सकते हैं। तो ये है इसका जो है वो मेन फीचर, काफ़ी बढ़िया है मतलब क्वालिटी। स्टार्ट करके देख लेते हैं इसे।
तो फिलहाल जो है अब एक The Bluetooth device is ready to pair. तो ये बोल रहा है कि ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर, और एक बार कनेक्ट होने के बाद ये अच्छी खासी साउंड क्वालिटी दे देता है। और आप काफ़ी बढ़िया है, मतलब यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी है जो ग्लो करते हैं। और मैं जब यहाँ पे रिटेलर में, जो मुझे रिटेलर इसका ट्रायल दे रहा था, तब मैंने एक बात नोटिस की कि ये जो लाइट्स है, ये लाइट्स हर सॉन्ग के हिसाब से जो है वो ढल जाती है। और अगर गाना फास्ट प्ले करते हैं तो ये फास्ट 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 जो है वो ग्लो करने लगेगी। और अगर आप इसे स्लो में विदाउट ग्लो लगाना चाहेंगे, देखिए मैंने इसे फ्लैश बंद कर दिया है, ये कुछ इस तरह से इसकी लाइट्स है। तो जैसे ही आप इसे स्पीड के गाने पे डालेंगे, बहुत तेज़ी से जो है वो लाइट्स जो है वो स्पार्क करने लगेंगी। काफ़ी अच्छी मतलब क्वालिटी है इसकी। और यहाँ पे जस्ट कनेक्ट कर दीजिए और आपका काम हो गया। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें और कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली मेमोरी कार्ड कनेक्ट करके यहाँ पे जो बीच में यम का बटन है, इस पे जस्ट हमें क्लिक करना है और ये डायरेक्टली म्यूज़िक पे चला जाएगा मेमोरी कार्ड के। और मेमोरी कार्ड या फिर यूएसबी जो भी आपने कनेक्ट किया है उसे डायरेक्टली रिसीव करने लगेगा। रेंज अच्छी खासी है शायद इसकी, कुछ पता नहीं। और मैक्सिमम वॉल्यूम पे चलता है 1.5 आवर्स तक, जब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। और चार्जिंग जो इसकी 1 से 2 घंटे हमें करनी चाहिए। और चार्जिंग इंडिकेटर इसके पास है तो DC 5 वोल्ट, डायरेक्ट करंट 5 वोल्ट का है। और यहाँ पे डायमेंशंस वगैरह दी गए हैं, विड्थ वगैरह है। और 32 GB तक का हम जो है वो चीज़ें कोई भी मेमोरी कार्ड या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे फिट कर सकते हैं। ये मुझे मिला 700 रुपये में यहाँ पे, और सर्विस सेंटर से वारंटी मिलती है इसे 1 साल की, तो वो भी है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा मतलब इसकी क्वालिटी है। और यहाँ पे ऑन ऑफ बटन होने के कारण काफ़ी मतलब बढ़िया चलता है ये। और यही था बस इसका अनबॉक्सिंग। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं इसे, मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ। मैंने इसे इस्तेमाल किया है 4-5 बार और मैंने देखा कि आवाज़ वगैरह काफ़ी अच्छी आती है इसमें से, कोई ख़राबी नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मुझे मिला और मैंने इसे रिटेलर से ख़रीदा है, तो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग का कोई आइडिया नहीं कि कितने में मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अभी फ़िलहाल तो ग्रेट इंडियन सेल चल रहा है, वहाँ पे मिल सकता है आई थिंक ज़ेब्रोनिक्स का ऐसा स्पीकर, पर मैंने तो रिटेलर से डायरेक्टली ख़रीदा है इसीलिए मुझे नहीं पता है दोस्तों। तो बाकी नीचे तो कुछ नहीं है, नीचे एक बैटरी है, बैटरी कंपार्टमेंट वो भी खोल के देख दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे बैटरी खोलते ही यहाँ पे जो है बैटरी जो है वो मिल जाती है। एक सेम मोबाइल बैटरी है, लिथेनियम आयन जो हमने ऊपर जिक्र किया था वही है बैटरी। ये बैटरी है दोस्तों 400 MHz की, DC 5 वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, और 3.7 वोल्ट की रिचार्जेबल बैटरी है। और यहाँ पे मेड इन चाइना भी लिखा गया है। काफ़ी दुख की बात है ये मेरे लिए कि मेड इन चाइना है बैटरी। यही था बस इसका रिव्यू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि रोज़ आप ऐसे नए टेक वीडियोस देखते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।